जो अगर रुझानों की बात करें तो उनमें महाराष्ट्र में महायुति वो वापसी करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में जो हेमंत सोरेन जेएमएम का गठजोड़ कांग्रेस अन्य दलों के साथ वो वापसी कर सकता है, ऐसी संभावनाएं रुझानों में बनकर उभर रही हैं। लेकिन अभी भी फाइट चल रही है, जो कड़े मुकाबले का अंदेशा था रुझानों में वो तब्दील नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो वहां पर सबसे नुकसान में उद्धव ठाकरे नजर आ रही हैं, और एक बड़ा फैक्टर यहां पर ये भी चर्चाएं हैं कि अगर शिंदे गुट अच्छा प्रदर्शन करता है तब निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं उस नारे की भूमिका हिंदुत्व के जो एजेंडे की बात की जा रही है महायुति में वो शायद चल गया है, और इसीलिए एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी के कैंडिडेट्स अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, उन पर नजरें हैं, लेकिन अभी अंतिम परिणाम नहीं आया, कोई भी उलटफेर हो सकता है ये कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से रुझानों में बड़ी लीड हासिल की है महायुति ने, तो ये संभावनाएं उनके नेताओं के लिए, और इसीलिए उनकी जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो अभी कांग्रेस क्या प्रदर्शन, चूंकि सीधे मुकाबले में कांग्रेस शामिल नहीं है।